सामने पेमेंट दी गई है, 1,00,000 रुपये तो दे होगा। एक सौदा बना है भैंस कॉलोनी की मंडी से, फाइनली सोल्ड हो गया। और डिमांड कितनी थी? 180 दांतों में दो। एक हैवी वेट है, इसके प्राइस जानते हैं दोस्त कितने दांत है? एक कार्ड मांगे थे दोनों के, तो 30,000 का फ़र्क करवाया आपने। दो दांत है, सही है भाई, दो दांत के बछड़े। ये वाला थोड़ा, ये बछड़ा कितने लिया? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम भैंस कॉलोनी की मंडी आए थे। जैसा कि आपको पता है कि सीज़न स्टार्ट हो चुका है 2022, तो यहाँ पर हमने कुछ वीडियो बनाई है। अभी तो बिल्कुल वापसी का टाइम है और माल वगैरह जा भी रहा है, और ये एक आप देख सकते हैं सौदा भी हुआ है, तो ये भी आपको जानने को मिलेगा कि ये कितने का सेल हुआ है। तो आप वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस मंडी के भी कुछ रेट्स वगैरह का आइडिया होगा। तो बाकी ये कि मंडी में आज माल आया था यहाँ पर भी अच्छा खासा, और ज़्यादातर मलिर मंडी वाले अड़त वाले ही लेकर आए थे, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कितने पैसे हैं? कितने पैसे मांग रहे हो? 1,90,000 दांतों में दो है, 1,90,000 मांग रहे हैं इसके। और बछड़ा आप चेक कर सकते हैं, और कितना होगा फाइनल देने वाली क्या बात होगी इसकी? 1,55,000 कोई 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000 लगाते हैं बने? नहीं बनेगा, तुमने कितने में देना है? बिल्कुल फाइनल 1,55,000, इससे कम नहीं होगा। तो क्या नंबर वंबर है तुम्हारा? नंबर है, बोलो इसके माइक। 0305 0305 2341 0025 2341 0025। नाम क्या है? अब्दुल गफ्फार। तो अब्दुल गफ्फार भाई के पास ये एक बछड़ा है, 1,55,000 बोल रहे हैं माशाल्लाह। इसकी आप गर्दन चेक कर सकते हैं, 4, 4.5 मन होगा या ऊपर 5 मन के करीब है। चले भाई, छोटा हाइट, छोटी हाइट वाला बछड़ा है, लेकिन गोल मोल है। बैक भी आपको दिखा देता हूँ, दोस्तों ये भी एक सौदा बना है भैंस कॉलोनी की मंडी से, और 1,30,000 का दोनों बछियों का सौदा हुआ है, ठीक है। और ये वाली आप बछियाँ देख सकते हैं, दो दांत की बछियाँ हैं दोनों, 65,000 के हिसाब से एक बछिया इनको मिली है, और कुर्बानी के लिए इन्होंने लिए। अच्छा, पैसे कितने मांगे थे इनसे, इनके आपसे? एक कार्ड मांगे थे दोनों के, तो 30,000 का फ़र्क करवाया आपने, सही है, 30,000 का फ़र्क हुआ इनका। और 1,60,000 की डिमांड थी, 1,30,000 का सौदा हुआ है। दो बछड़े नज़र आ रहे हैं, और माशाल्लाह दोनों ही अच्छे कलर में। तो इनके व्यापारी से पता करते हैं इनके प्राइस। अस्सलाम वालेकुम मुनीर भाई। जी भाई, ये देख सकते हैं भाई, मुनीर भाई क्या पैसे हैं इसके? क्या पैसे हैं भाई? 4,00,000 रुपये। 4,00,000 रुपये दांतों में दो हैं? दो दांत हैं, सही है भाई, दो दांत के बछड़े हैं, और 4,00,000 रुपये की जोड़ी में पैसे मांग रहे हैं। बाकी बैग से आप देख सकते हैं, तो मुनीर भाई ये बिल्कुल एक फाइनल इनके क्या हो जाएंगे दोनों के? फाइनल जी 3,60,000। 3,60,000 के हो जाएंगे। तो अगर कोई ख़रीदारी करना चाहे तो भुट्टो की अड़त पे आ जाए? सही है, भुट्टो की अड़त पे आपको ये माल मिल जाएगा, जब्बार जमाली भी उनका नाम है, ठीक है। तो आप अगर पसंद आए तो उनकी अड़त को विज़िट कर सकते हैं। 3,60,000 बोल रहे हैं दोनों के। बाकी एक एक कलर में माशाल्लाह बेहतरीन है। बाबा क्या मांग रहे हो इसका? 1,80,000 दांतों में दो। अभी तीसरा निकाल रहा है, थोड़ा तीसरा निकाल रहा है। और इसके साथ वाला जो है वो कितने दांत है? वो दो है। दो है, इसके कितने पैसे? जोड़े का 3,500 मांग रहे हैं। 3,500 मांग रहे हो? अच्छा, 1,70,000 का वो है।
तो क्या इसमें गुंजाइश कितनी हो जाएगी कमी बेशी, फाइनल कितने में देखोगे? फाइनल 3 के हो जाएगा जोड़ा, 150 के हिसाब से। हाँ अच्छा, तो अगर कोई ख़रीदारी करना चाहे इसकी तो किस जगह पे ये खड़ा हुआ है मंडी के बाद? ये खड़ा है 89 वाले ट्रैप पे। एक भैंस कॉलोनी में ही ना? 89 जी, लांडी में जी। तो नंबर है आपका? 0301-6784-997। एक देख सकते हैं आप सौदा हुआ है सामने, और ये वाले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी बैग है बच्चों की। तो बाकी एक बच्चा ये भी है इनके पास, ये भी पूछते हैं। दोस्त कितने दाँत है? दो है। कितने रेट है? 170। सही है भाई, 170,000 की इसकी डिमांड करें। और फाइनल कितने का हो जाएगा? फाइनल 60 तक। तो उसी भाई के साथ हो? ठीक है भाई, तीनों जानवर ये एक ही भाई है, कलर में आप देख सकते हो कैसा ये। 160 तक बोल लें, बाकी ये के जिस भाई को समझ आए तो बार्गेनिंग आप इनसे नंबर पर आप कर लीजिएगा या इनकी लोकेशन विज़िट कर लीजिएगा, तो हो सकता है ये कमी बेसिस में मज़ीद कर दें। तो दोस्तों ये फाइनली सोल्ड हो गया 125,000 के हिसाब से। ठीक है, अभी 160,000 की इसकी जो डिमांड कर रहे थे व्यापारी, तो देख सकते हैं कि ये सौदा जो है वो 125,000 का इसका बना है। ठीक है, तो ये है कि देख सकते हैं आप, अगर मंडी में अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो जो हमारे को वीडियो में रेट्स बताते हैं उससे भी मज़ीद कमी बेशी हो जाती है। तो दोस्तों ये एक सौदा बना है भैंस कॉलोनी की मंडी से, 275,000 के हिसाब से दोनों परचेज़ हुए हैं, और देख सकते हैं माशाल्लाह। भाई मेरे को बोल शटर आने में, शटर तेरे को उसमें ले जाती हूँ, और एक और डालूं? मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, मेरे को पता है ना जानवर। माशाल्लाह भाई अच्छे वेट के अंदर है, और 275,000 के हिसाब से 137,000 का एक बच्चे का सौदा। आप नीचे बांध रही, ऊपर बांध रही? सही है। एक हैवी वेट है, इसके प्राइस जानते हैं दोस्त? कितने दांत है? 4 दांत है। कितने पैसे मांग रहे हो इसके? 3 लाख रुपए। सही है, और कितने वज़न में होगा ये अंदाजन? अच्छा, कितना फाइनल कितना होगा इसका? 270 का। कौन सी जगह से आए हो आप? मलीर से? मलीर से आए हो? मलीर मंडी से? तो अड़द का क्या नाम है आपकी? ये मालिक है, मैं। अच्छा, मज़र अब्बास, इनकी कल वीडियो बनाई थी मैंने मलीर मंडी में, तो उन्हीं का मालिक है। 270,000 की डिमांड कर रहे हैं इसकी फाइनल। तो बाकी ये कि बार्गेनिंग के ऊपर और भी कमी बेशी हो जाती है, आप देख सकते हैं जानवर इनका। भाई ये कुछ माल मौजूद है अभी भैंस कॉलोनी की मंडी में, तो उनके रेट्स वगैरह मालूम करते हैं क्या चल रहे हैं। छोटा माल है, इतना बड़ा माल नहीं है, लेकिन देखते हैं रेट्स क्या हैं इनके। तो दोस्त ये बताओ कि क्या रेट्स हैं, कितने दांतों में आपके बछड़े? ये पक्के खीरे हैं तीनों। कुर्बानी पे लग जाएंगे? हाँ लग जाएंगे, वो भी पक्का खीरा है। अच्छा, दो दांत है। काला वाला 2 दांत है। तो रेट्स में कितने हैं अभी उनका? मुनासिब हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 20,000-30,000 तकरीबन, जो लेने वाला होगा तो हो जाएंगे। अभी तुम्हारी वीडियो देख के अगर कोई लेने का दिमाग बनाते हैं तो एक थोड़ा करीब तर बता दो कितना फाइनल होगा, ताकि वो तुमसे बात कर ले। ये तकरीबन हो जाएगी गुंजाइश, इसमें भी हो जाएगी। एक 20-25 का होगा? नहीं इतने का तो नहीं, ऊपर होगा। एक 30-35 से भी ऊपर होगा, 1.5 के करीब हो जाएगा। 1.5 के करीब होगा। मांगने कोई 75 मांग रहे हैं। सही है, और ये वाले? इनका 1.5 लाख पुट्ठा मांग रहे हैं। 1.5 लाख का पुट्ठा? अलग अलग, इसका 65, इसका 45, 55। सही है, और इनमें भी गुंजाइश हो जाएगी। तो वज़न में आइडिया है कितने? वो 5 मन है। वो वाला 5 मन है? वो 4.5 मन से अच्छा है। काला वाला 4.5 मन? हाँ। और ये 4 है। 4 ये 3.5 मन से अच्छा है। 3.5 ये 4 मन है। ये भी 4 है।
सही है। तुम्हारी अड़त का क्या नाम है? हजूर बख्श की अड़त है मलीर मंडी में, अनवर के धक्के के पास। तो अनवर के धक्के के पास इनकी अड़त है मलीर मंडी में। और बाकी ये कि इनके जानवर दिखा देते हैं आपको, ठीक है। और बाकी एक ये वाला थोड़ा ब्यूटी में है, बस ये है कि थोड़े सींगों में है इसकी वजह से। लेकिन जो हजरात इस तरह के जानवरों की कुर्बानी करते हैं वो देख सकते हैं इनकी क्या कीमतें चल रही हैं, ठीक है। आप इसकी बैग भी चेक कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं और आपको मज़ीद कवरेज करके देते हैं। ये कट्टू में लिए 120,000 की जोड़ी, तकरीबन 4.5 मन का आइडिया लगाया है दोनों का। दोस्त क्या पैसे मांग रहे काले बछड़े? काले वाले बछड़े के दांतों में कितने? 2 दांत बता रहे हैं। 285,000 की डिमांड कर रहे हैं इसकी। और दोस्त ये फाइनल कितने में होगा देने देने वाले प्राइस? 250 का होगा। और ये वाला बछड़ा 280 इसके भी मांग रहे हैं। और दांतों में दो है। ये कितने का फाइनल होगा? 250 का होगा। तो किस सड़क से आए हुए आप, कहाँ से आए हुए आप? मलीर मंडी से? मलीर मंडी से आए हुए यहाँ से। कौन सी अड़त नाम है आपकी अड़त का? क्या फौजी? फौजी वाली अड़त है। तो फौजी वाली अड़त है इनकी। और 250,000 रुपए बता रहे हैं भाई एक बछड़े का। बाकी इस टाइप का बछड़ा रमज़ान से पहले कवरेज करी थी मैंने, तो 150,000 का सेल हुआ था। ये आप देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट बच्चा जो है 150,000 का, और थोड़ा सा इससे हैवी था वो, तकरीबन 1 मन तक होगा ज़्यादा। तो एक बछड़ा ये आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर जगह का मसला है तो आपको शायद प्रॉपर ना दिखा सकूँ जानवर। ये आप देख सकते हैं, ये फाइनली इसका सौदा हो चुका है। 132,000 बता रहे हैं और सामने पेमेंट दी गई है 1,00,000 रुपये तो दे चुके हैं। बाकी ये कि 132,000 की इसकी रकम बताइए। माशाल्लाह अच्छा बछड़ा है, पांडा फेस है, ये देख सकते हैं 2.5 लाख रुपये इसके वीडियो में इन्होंने बताए थे। बाकी ये कि आप देख सकते हैं जब सौदा होता है तो कितना डिफरेंस होता है। कुछ व्यापारी होते हैं वो वीडियो में सही रेट नहीं बताते, तो इसके वीडियो में भी यही सीन हुआ था। बाकी कुछ व्यापारी सही रेट्स भी बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये है कि भाई 132,000 के हिसाब से इसका सौदा हो चुका है। सर जोड़ा 250 का? 250 का? हाँ। रातों में क्या? 200 दो है पक्के खीरे हैं। तो फाइनल कितने में होंगे? फाइनल एक फाइनल जोड़ा होगा 2,20,000। 1,10,000 के हिसाब से होगा। कहाँ पर मिलेगा ये? भैंस कॉलोनी में? हाँ, ये मैं मलीर में। मलीर किस नाम से अड़त है? इलियास बालकानी। न्याज? इलियास बालकानी। सही, इलियास के नाम से इनकी अड़त है। 1,10,000 के हिसाब से तो भाई ज़्यादा ही है इनका रेट। सही है, साफ सी बात है 1,10,000 का रेट मांग रहे हैं फाइनल। बाकी ये कि कमी बेशी बार्गेनिंग करने पे हो जाती है। कितने में लिए आपने? 120 में लिए। और डिमांड कितनी थी? 180। दांतों में दो? सही, दांतों में दो है। 120 का लिया ये और 180 की डिमांड थी। यूट्यूब चैनल है इन्फोटेनमेंट। ये कितने का लिया? ये बछड़ा कितने लिया? चाचा कितने का लिया ये छोटा वाला? 85 का लिया। 85 का लिया? 2 दांत है।
सही है सही, 120 और 85 के हिसाब से ये परचेजिंग होगी। दोस्तों दो जानवरों की रेट मालूम करें हैं, असल में ये व्यापारी जो हैं थोड़े से गुस्सा करने वाले हैं, तो ये बाकर मेरा दोस्त है थोड़ा इसने रेट बता दिए, तो ये 1.65 का बोल रहा है ठीक है, और इसके साथ में जो खड़ा हुआ है वो 1.40 का बोल रहा है, बाकी ये मलीर मंडी से ही आया हुआ है, तो आप अगर मलीर मंडी विज़िट करेंगे तो हो सकता है आपको वहाँ पर किसी अड़त पर ये माल मिल जाए, बाकी अड़त का पूछ लूँगा बाकर से भी। तो ये वाला पक्का खीर है जो सीधा हाथ वाला है, और जो उल्टे हाथ वाला ब्लैक एंड वाइट है, ये दो दांत है ठीक है। ये देख सकते हैं बाकर, अड़त का पता है कौन सी है, अड़त कौन सी है, नाम नहीं पता। हाँ चले भाई, कुछ नाम वाम नहीं पता उसको, लेकिन होटल के पास ही बोल रहे कुछ ठीक है। इनकी बैग आप देख सकते हो, तो देखते हैं और आगे चल के माल। 45,000 भाई इसके मांग रहे, और पक्का खीरा बता रहे हैं ये। फाइनल फाइनल कितने का होगा? 37 का, 37 का बोल रहे हैं फाइनल हो जाएगा, और पक्का खीरा बता रहे बची है ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम दोस्त, कितने दांतों में अभी क्या रेट मांग रहे ये भाई? पक्का खीरा है भाई, पक्का खीरा, क्या रेट मांग रहे इसका? इसका 1.5, 1,05,000। हाँ भाई सही है। और ये जो साथ वाले हैं, ये काटने वाले हैं, ये काटने वाले हैं, हाँ, वो कुर्बानी वाले, हाँ वो कुर्बानी। और ये कितने रेट हैं इनके? इन्होंने 70,000। 70,000 सही है। और बिल्कुल फाइनल क्या होगा उस वाले का? उस वाले का फाइनल 95,000। और इनका? इनो के फाइनल 65,000। तो दोस्त आपका कोई नंबर उम्र है? हाँ 0324-59-60-334-334। हाँ तो ये इनका नंबर है, बाकी ये के माल आपको दिखा देता हूँ कैसे इनका ठीक है। 95,000 इस वाले बच्चे का बोल रहे हैं, और बाकी ये कि आई थिंक इनका 60-60 बोल रहे हैं, ये देख सकते हैं इसका 95 बोल रहे हैं इसके। दोस्तों इस बछड़े की रेट मालूम करते हैं, थोड़ा दरमियाना बछड़ा है, कलर में सही है, तो पूछते हैं क्या रेट से इसके मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। भाई क्या इसके रेट मांग रहे हो? इसके भाई 1,15,000। 1,15,000। दांतों में कितने? दांतों में 2 है भाई। दांतों में 2 हो चुका है जी। सही है सही है। और ये अगर आपसे कोई ख़रीदारी करना चाहे इसकी, तो कितने में हो जाएगा फाइनल? ये फाइनल ख़रीदारी करेगा तो 1,00,000 तक हो जाएगा। 15,000 छोड़ दोगे? हाँ 15,000। तो वज़न का कुछ आइडिया है? हाँ वज़न का भी आइडिया है भाई। क्या ले जाओ केजी में? जिंदा में कितना होगा? जिंदा में आएगा तकरीबन 6 मन आएगा, 5.5 मन। 5.5-6 मन आ जाएगा, 3 मन, 2.5 से 3 मन निकल जाएगा गोश्त में। तीन से ज़्यादा है। सही। अगर कोई ख़रीदारी करे तो किस जगह पे मिलेगा ये मंडी के बाद? आड़तों पे। कौन ये इसमें भैंस कॉलोनी में जो है अंदर? कोई नाम वाम है सड़क का? बहुत आड़ते हैं। क्या नाम? क्या साहब? अली मोहम्मद का आड़त। तो आप देख सकते हैं भाई ये 1,00,000 रुपये में देने के लिए तैयार है ये वाला बछड़ा। और इसके क्या फाइनल हो जाएंगे? 1,60,000 फाइनल होंगे। और दांतों में 2 है? सही है। दोनों बछड़े आपको यहीं पर मिलेंगे। नाम बताया उन्होंने अड़त का, तो ये आप देख सकते हैं इसकी बैक। और दूसरा बछड़ा जिसके 1,00,000 रुपये मांग रहे हैं वो ये है, इसकी भी बैक दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं ठीक है भाई। तो ये कुछ छोटे माल की भी कवरेज करिए, और बाकी एक और भी नज़र आता है तो फिर उसकी कवरेज करते हैं। भाइयों ये एक बछिया आई हुई है भैंस कॉलोनी की मंडी में, तो इसकी डिटेल लेते हैं। दांतों में कितनी? दांतों में 2 है। अच्छा दांतों में 2 है। और रेट पूछते हैं साजिद भाई, रेट तो बताओ इसके। इसका 1,60,000 मूल कर रहा है।
160 मोल कर रहे हो जी। और देने वाले बिल्कुल क्या हो जाएंगे, बिल्कुल एक फाइनल पॉइंट? देने वाले हो जाएंगे 35-40-30 हो जाएगा, 130 तक हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो मिलेगी कहाँ पर है अगर कोई लेने के लिए आए? ये मिलेगी मलेर मंडी में। किस जगह, कौन सी अड़स पर? ये भुट्टू की अड़स के साथ बराबर में। नाम नहीं है इसका? नाम नहीं है। भुट्टो की अड़त के साथ है? हाँ। तो भाई भुट्टो की अड़त के साथ एक अड़त है, तो वहाँ पर आपको ये बछिया मिल जाएगी। तो आप देख ही सकते हैं इसका वज़न का मैं क्या बताऊँ, इसको थोड़ा सा बैग से दिखा देता हूँ ताकि कुछ आपको आइडिया हो जाए। ये देख सकते हैं भाई आप इसको बैग से। तो यहाँ पर जगह जो है ना काफ़ी कंजस्टेड है, यहाँ आप देख सकते हैं रोड है, तो इसकी वजह से थोड़ा प्रॉपर कवरेज करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक बड़ा हाइट वाला बछड़ा खड़ा हुआ है, इसके रेट मालूम करते हैं। भाई कितने दांतों में? खीरा हो जाएगा कुर्बानी पे? सही है भाई, कुर्बानी पे बोल रहे हैं कि दांत कर जाएगा। और दांत भी दिखा देते हैं इसकी, एक 160 बता रहे हैं उसको। एक 160 की डिमांड कर रहे हैं। नहीं कोई नाराज नहीं, नाराज होने वाला आदमी मंडी में नहीं आया। भाई अब ये इसका पूरा जो ध्यान है ना कस्टमर की तरफ चला गया। बाकी ये कि 160 इसकी डिमांड कर रहा है, और पूछ लेते हैं अगर ये फाइनल बता दे। दोस्त कितने दाते काले वाला? दो है। और ये वाला? दो है। अच्छा, दांतों में दो है। रेट्स वगैरह मालूम करते हैं माशाल्लाह। ब्लैक वाला आप देख सकते हैं 290 आई थिंक बता रहे हैं इसके। तो इसको कस्टमर थोड़ा सा बार्गेनिंग कर रहे हैं इससे। सर जी क्या रेट है, आपने क्या लगाए कुछ लगाए? क्या दोनों के एक का? एक का, दो का बोलते तो बोलते हैं पैसे के लिए भाई। 290 मांग रहे हो इस वाले के? और इसके सफ़ेद वाले के? 220। तो इसका कितना होगा फाइनल 290 वाले? ये 260 का। 260 का? और वो सफ़ेद वाला? ये वाला 170 का। 170 का, 260 और 170 फाइनल बोल रहे हैं। बाकी कौन सी अड़स से आए हुए आप? फौजी वाली। तो फौजी वाली अड़त से भाई आए हुए ये, और रेट आपके सामने है भाई। ये बैग इसकी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? बैग से ही है भाई, आप देख सकते हैं बछड़ा लोड होने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि इसको उठा लें और वापसी लेके जा रहे हैं। तो गाड़ी में लोड करने के लिए इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बछड़ा जो है वो लेट गया है बिल्कुल। ना बीमार है ये, कुछ भी नहीं है, बस एक ज़िद करता है जानवर ना, तो वो हो रही है। अभी गाड़ी में लोड नहीं होना चाह रहा। फिर वापसी लेट गया ये दोबारा से, कल्टी कर रहा है इसको, अब शायद उठ जाए। तो हाई उठ गया ये। अभी कोशिश करते हैं कि इसको लोड करें। उठ तो गया है लेकिन लोड नहीं हो रहा। लोड होते टाइम जो है ना ये इसी तरह का नाटक कर रहा है। ये अभी दोबारा इसको लेकर आएंगे और फिर देखते हैं कि ये अब लोड होता है कि
दोबारा से इसका ये ड्रामा चलता है। वो देखें वहाँ पर ही वहीं पर ज़मीन पे लेट रहा है। ताबे के चूतियों पर है। इसका एक लंबा राउंड लेकर फिर लेकर आएंगे गाड़ी पर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो भैंस कॉलोनी मंडी से। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।